पिक्चर आस Class, a very, very good morning to all of you. Sabko meri awaaz aa rahi hai? Everybody is able to hear me? Good morning. Hai. Kaisa chal raha hai? Units and measurement kaisa chal raha hai? How's the unit and measurement going on? Meri awaaz aa rahi hai sabko perfect? My voice is clear, everybody? Yes, my voice is clear. Jin logo ko bhi awaaz kam aa rahi hai, please apne mobile ka volume badhaiye. Theek hai? बहुत ही बढ़िया चलिए एंड बिफोर स्टार्टिंग टुडेज लेक्चर वी वुड आल्सो लाइक टू सी द रिड्यूस्ड सिलेबस आई थिंक ये रिड्यूस्ड सिलेबस मैंने आपको भेजा था कितने लोगों ने देखा होगा अच्छी बात होगी एक बार उसके ऊपर वापस हम लोग नजर घुमा लेते हैं कि हमें क्या क्या नहीं पढ़ना है इस चैप्टर में ठीक है करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है आप देख सकते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट थ्रू द कंडक्टर ये आपका 11th का सिलेबस है जो हटा दिया गया है अभी फिलहाल के लिए ठीक है तो पहला जो 11.2 है 11.3 टॉपिक है यानी कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो ऑफ करंट थ्रू अ कंडक्टर ये नहीं है ड्रिफ्ट स्पीड नहीं है ओम्स लॉ नहीं है क्योंकि ओम्स लॉ वैसे ही बचपन में आप पढ़ के बैठे हो लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ नहीं है इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑफ पावर नहीं है रजिस्टर नहीं है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी नहीं तो इतने सारे टॉपिक्स इस चैप्टर में हमें अभी फिलहाल नहीं पढ़ने हैं हमारे बोर्ड्स के लिए ठीक है जस्ट वांटेड टू आस्क ऑन क्वेरी इन एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक देयर इज नो सच चैप्टर लाइक करंट इलेक्ट्रिसिटी देयर विल बी अ चैप्टर लाइक करंट इलेक्ट्रिसिटी बट इट विल बी लाइक नेम्ड बाय समथिंग एल्स और इट विल बी लाइक इनकॉर्पोरेटेड इन दिस थिंग ठीक है ग्रुप पे दिया हुआ है ग्रुप पे पहले से ही दिया हुआ है ठीक है सो आपको उस चीज का टेंशन नहीं लेना है ग्रुप पे पहले से ही दिया हुआ है ये सब चीजें ठीक है
सो करेंटली वी आर स्टार्टिंग ऑफ विथ द टॉपिक जो हमें डायरेक्टली इस चैप्टर में करना है. ऑल ऑफ यू शुड बी वेरी वेरी रेडी विद दिस थिंग. ठीक है, जो स्किप किया है ओके, वो स्किप किया हुआ है. ठीक है, बट अभी जो हम लोग पढ़ रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो भी कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है. ठीक है ना, ऐसा नहीं है कि जो स्किप किया हुआ है वो इम्पोर्टेंट नहीं था, जो स्किप किया हुआ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अगर आप लिख के लेना चाहते हो कि जो स्किप किया है उसमें से कौन सी चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लिख लो ड्रिफ्ट वाली स्पीड की जो टॉपिक है, ड्रिफ्ट स्पीड, दैट टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. लिख के रखो, अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो ड्रिफ्ट स्पीड का टॉपिक लिख के रखो, आता है. ड्रिफ्ट स्पीड का फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, सेकेंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर, ये वाला टॉपिक भी इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप लिख के रखो. चैप्टर नंबर 11 हम कर रहे हैं फिजिक्स का, 11 स्टैंडर्ड, चैप्टर नंबर 11 वी आर डूइंग. सबसे पहले आपने क्या बोला, मैंने ड्रिफ्ट स्पीड लिखना है, इंपॉर्टेंट है आपके एंट्रेंस के लिए. दूसरा इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर इंपॉर्टेंट है, और तीसरा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी इंपॉर्टेंट है. पर स्पेसिफिक रेजिस्टेंस छोटा टॉपिक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर थोड़ा बड़ा है, और ड्रिफ्ट स्पीड तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो जो सिलेबस स्किप किया गया है उसमें से ये इंपॉर्टेंट है. अगर आप एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को इन टॉपिक को एंट्रेंस पे नहीं छोड़ना है. इज दैट क्लियर विद एवरीबॉडी? गिव मी अ यस और नो. ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड व्हाट वी आर डूइंग? बोलो. यस, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. स्टार्ट कर सकते हैं आज का लेक्चर. ठीक है, वीवो 1998, ये जो भी है जिनका वीडियो बार बार ऑन हो रहा है, कोई तो लड़की है. सबसे पहले तो आप अपना नाम डालो वहां पे, नाम को रीनेम करो, एंड ट्राई दैट योर वीडियो इज नॉट गेटिंग टर्न्ड ऑन अगेन एंड अगेन. ठीक है, द चैप्टर का नेम मैं पुट ऑन कर रहा हूं. यस नेहा, मेडिकल के लिए भी एंट्रेंस होता है, उसको नीट बोलते हैं. नीट बोलते हैं, वो मेडिकल का एंट्रेंस होता है. आप महाराष्ट्र का भी सीटी दे सकते हैं, उसमें भी आप पीसीबी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, उसके लिए भी आप महाराष्ट्र के कॉलेजेस के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं. ठीक है, सो क्लास द नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रिक करंट थ्रू कंडक्टर्स. ठीक है, ये आज का हमारा पहला लेक्चर है इसके ऊपर, इसलिए हम लोग ने 1.1 लिखा है, और ये है आज का जो चैप्टर हम चालू कर रहे हैं उसका नंबर. चैप्टर नंबर 11वां हम स्टार्ट कर रहे हैं. ठीक है, ओके एवरीबॉडी, चलो स्टार्ट. सीबीएसई स्टूडेंट सीईटी दे सकते हैं क्या? सब लोग सीईटी दे सकते हैं. एनीबॉडी हु हैज महाराष्ट्र का डोमिसाइल और महाराष्ट्र का सर्टिफिकेट जो भी है, सब बंदे, आप सीबीएसई हो या आप स्टेट सिलेबस हो या आप कोई भी हो, आप महाराष्ट्र का सीईटी एग्जाम इजीली दे सकते हैं. तो जैसे होता है कि अगर आप कोई और स्टेट से बिलोंग करते हो तो आपको वहां का डोमिसाइल मिलता है, एंड ऐसे कर्नाटक सीईटी भी होता है. हर एक जगह का सीईटी अपना अपना, हर एक स्टेट का अपना सीईटी होता है. ठीक है, सीईटी आप लोग को देना चाहिए, यू शुड गिव सीईटी बिकॉज इट्स वन ऑफ द वेरी गुड एग्जाम्स जो आपको इजीली अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए मतलब आपको मिलेंगे. और पेपर इतना टफ नहीं होता है, सीईटी का पेपर इतना टफ नहीं होता है. पर अगर आप जैसे अगर आप मुंबई या पुणे के बेस्ट कॉलेजेस चाहते हैं तो आप सीईटी के थ्रू भी उसको अप्लाई कर सकते हैं, करेंगे. अगर हम लोग को टाइम मिला तो मैं आपको सीटी की तैयारियां पक्का करवाऊंगा, डोंट टेक टेंशन अबाउट दैट. ठीक है, सिर्फ सीटी में मैथ्स, सिर्फ मैथ्स होता है क्या सीटी में? ऐसा नहीं है, सीटी में मैथ्स होता है, सीटी में पीसीबी भी हो सकता है, सीटी में आपका पीसीएम भी हो सकता है, जरूरी नहीं है. बहुत लोग बोल रहे हैं डिप्लोमा कर, नहीं यार करो करो, ट्वेल्थ अच्छा है, ट्वेल्थ इज गुड, आप स्टैंडर्ड प्रोसीजर फॉलो करो, ट्वेल्थ में अच्छे से पढ़ाई करो, फिर आप एक एग्जाम दो, जेई दो, नहीं नीट दो, नहीं तो सीईटी दो, ये तीनों दो. अब तीनों एग्जाम दे सकते हो, दो भी दे सकते हो, अच्छा उसमें से स्कोर लाओ और आपको एक बेटर कॉलेज मिलेगा, फिर बेटर कॉलेज मिलने का लाइफ ऑटोमेटिकली ठीक ठाक हो जाती है. तो फिलहाल आपका एम होना चाहिए एक बेटर कॉलेज. तो आपके पास दो दो आपके पास एग्जाम होने चाहिए.
देखिए कोई अच्छा या बुरा नहीं है कुछ भी। नीट एग्जाम अच्छा नहीं है और बुरा, सीईटी ऐसा कुछ नहीं है, फर्क है। नीट जो होता है वो ऑल ओवर इंडिया के लेवल पे होता है, और सीईटी जो होता है महाराष्ट्र सीईटी, वो सिर्फ महाराष्ट्र के बच्चों के लिए होता है। और सीईटी एग्जाम देके आप सिर्फ महाराष्ट्र के कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो, नीट एग्जाम देके आप ऑल ओवर इंडिया किसी भी कॉलेज में एग्जाम एडमिशन ले सकते हो। आ रही बात आपको समझ में? सिर्फ इतना फर्क है, पर आप नीट देके महाराष्ट्र कॉलेज में भी एडमिशन ले सकते हो। इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में फिजिक्स है, इंजीनियरिंग में फर्स्ट ईयर में फिजिक्स है, ठीक है। जैद आपको क्या लगता है, डिप्लोमा इजी है? अगर आप 11th 12th को टफ मान रहे हैं तो डिप्लोमा आपको लगता है इजी होगा? डिप्लोमा इज अ पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैन। सर नीटी के साथ सीटी दे सकते हैं? हाँ देख सकते, दे सकते हैं, नीट के साथ सीटी दे सकते हैं, कोई पंगा नहीं है। आप तीनों एग्जाम एक साथ दे सकते हो। नीट है तुझे, नीट है, NEET, N फॉर नेशन। जेई मेन्स नहीं होता, जेई मेन्स होता है। समझाऊंगा, कभी कभी समझाऊंगा, अभी चालू करें क्या, वरना आज का लेक्चर तुम्हें ज्ञान देने में चले जाएगा। बताऊंगा, सब बताऊंगा। एक दिन संडे को बैठेंगे अपन लोग, एक दिन संडे को तुम लोग भी चाय कॉफी लेके बैठना, मैं भी चाय कॉफी लेके बैठूंगा, एकदम मस्त वीडियो टू वीडियो बात करेंगे। तुम्हारे सब लोग के डाउट वाउट सब अपन, एनडीए करो, एनडीए करो, लड़के लोग तो एनडीए करना है, 2 साल है तुम्हारे पास, एनडीए करना है, एनडीए करो, लड़के लोग तैयारी करो एनडीए का, बुक बुक लेके आओ, एप्टीट्यूड का तैयारी करो, एप्टीट्यूड का तैयारी करो। अगर एक कपड़ा सूखने में 10 मिनट लगता है तो 10 कपड़ा सूखने में कितना मिनट लगेगा? एनडीए एनडीए करो। सीडीएस, सीडीएस लड़कियों के लिए होगा, कॉमन डिफेंस सर्विस। यस गर्ल्स कैन ऑल्सो गिव एनडीए, बट सीडीएस होता है गर्ल्स के लिए, कॉमन डिफेंस सर्विस होता है। यस यस आई विल टेल यू एनसीईआरटी में इसको क्या बोलते हैं। अभी फिलहाल मेरे पास एनसीईआरटी का सिलेबस नहीं है, मैं देख के आपको अपडेट करता हूँ। मुझे व्हाट्सएप पे एक पर्सनल मैसेज डालिए, एनडीए इज नेशनल डिफेंस अकेडमी, नेशनल डिफेंस अकेडमी। चलिए स्टार्ट कर रहे हैं आज का चैप्टर। सब लोगों ने बिल्कुल ध्यान से बात को समझना है, ठीक है? अच्छी तरह पढ़ाएंगे, अच्छी तरह धमाल करेंगे, यूनिट्स एंड मेजरमेंट का धमाल वापस करेंगे। सब लोगों ने अच्छी तरह से ध्यान देना। और बेटा तुम्हारे मार्क्स कम आए, जितने लोग मेरा लेक्चर अटेंड कर रहे हैं तुम्हारे मार्क्स कम आए बेटा, यहां से घुस के मारूंगा, ठीक है? पढ़ाई चालू कर दो, सिर्फ लेक्चर अटेंड नहीं करना है, पढ़ाई करना है। सिर्फ लेक्चर अटेंड करके अगर तुम्हें लगता है कि मैं पढ़ा दूंगा और तुमको मार्क्स आ जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। यूनिट्स एंड मेजरमेंट पढ़ना है, कोई डाउट रहेगा उसको मेरे को व्हाट्सएप पे पोस्ट करना है। आ रही बात समझ में? जैसे अभी कल परसों मुझे बहुत सारे बच्चों का आ रहा था, एक का आ रहा था कि सर ये बट ये डाइजेस्ट में ऐसा लिखा है कि फोर्स और मोमेंटम का डायमेंशन सेम है ना? तो फिर बहुत सारे लोग मुझे डाउट्स पूछ रहे हैं, आप भी पूछो, आपको जो भी लगता है सीधा व्हाट्सएप पे डालने का, सर ऐसा ऐसा है, ये अलाना फलाना करना है, कैसे करना है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। जो पहला टॉपिक हम लोग को पढ़ना है यहाँ पे, आज का हमारा पहला टॉपिक जो है उसका नाम मैं यहाँ पे पुटअप कर रहा हूं। पहले टॉपिक का नाम है वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर। ये आज का हमारा पहला टॉपिक है जो हमें करना है, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से बात करें। सुमित कहते हैं सर पर ओनली एडमिन बात कर सकते हैं। एडमिन बात कर सकते हैं मतलब सुमित? आपको बाकी लोगों से भी बात करना है? फिर समझा नहीं मैं आपकी बात। अच्छा व्हाट्सएप, व्हाट्सएप पे बात कर रहे हो ना? हाँ व्हाट्सएप पे चैटिंग इसलिए बंद है, वरना व्हाट्सएप पे चैटिंग ग्रुप में कोई भी किसी को भी कुछ भी चैटिंग नहीं करना ना। आपको अगर डाउट है तो मुझे पर्सनली मैसेज करो, पर्सनली पर्सनली व्हाट्सएप पे मुझे डाउट डालो, ठीक है? जो 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 व्हाट्सएप पे 99 वाला नंबर है ना, 9923 वाला, एडमिन में जाओ, दो एडमिन होंगे उसमें से 9923 वाला मेरा नंबर है फिजिक्स वाला, और जो दूसरा नंबर होगा 7 वाला, 76 वाला, वो मैथ्स वाले सर का नंबर है, ठीक है? गॉट इट? सर मैं इतनी देर से ज्वाइन नहीं कर पा रहा था, ज्वाइन ही नहीं हो रहा था, अभी हो गया ज्वाइन, दैट्स रियली ग्रेट। चलो चलो लेट्स स्टार्ट, लेट्स गेट बैक टू द थिंग। हम लोगों ने 20 मिनट बात कर लिया, ओ माय गॉड। हाँ चलो स्टार्ट करते हैं, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर। सबसे पहली कहानी मैं तुम्हें समझाता हूँ, ठीक है?
सबसे पहली कहानी ऐसी है कि रेजिस्टेंस जो चीज है वो तुम्हें पता है, तुमने सुना हुआ है बचपन से, तुम लोग ओम्स लॉ पढ़ते जा रहे हो, है ना? तो ओम्स लॉ जब तुम बचपन से पढ़ते जा रहे हो तो तुम पता है तुम्हें कि रेजिस्टेंस बेसिकली क्या होता है ना? रेजिस्टेंस करंट को अपोज करता है। रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को अपोज करता है। बट ये टॉपिक में हमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का क्या लेना देना है। हमें यह बताना है कि वेरिएशन रेजिस्टेंस का कैसे होता है टेम्परेचर के हिसाब से, टेम्परेचर के हिसाब से कैसे होता है। खुशी सिंह सर, ये चैप्टर तो बुक में है ही नहीं। खुशी आप कहाँ हो, कौन सा बुक खोल के बैठा? ये 11th स्टैंडर्ड ही है ना, मैं 11th स्टैंडर्ड में ही पढ़ा रहा हूं ना। खुशी 214 पेज नंबर, 214 पेज नंबर, फिजिक्स टेस्ट बुक, एनसीईआरटी। एनसीईआरटी वाले यार आपको कहीं ना कहीं मिल जाएगा, एनसीईआरटी वाले मिल जाएगा, डोंट टेक टेंशन, डोंट टेक टेंशन, एनसीईआरटी वालों मिल जाएगा, मिल जाएगा, डोंट टेक टेंशन। हो सकता है एनसीईआरटी में ना ऊपर नीचे करता हो, वो ये टॉपिक 12th में भी दे सकता है आपको, ये टॉपिक हो सकता है 12th में मिल जाए, डोंट टेक टेंशन, ठीक है? चलो पढ़ाई करते हैं। हाँ, वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विद टेम्परेचर का मतलब है कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का क्या रिलेशनशिप है, हमें ये पढ़ना है, ठीक है? तो जरा एक डायग्राम के तौर पे समझाते हैं कि कैसा टेम्परेचर और इसका रेजिस्टेंस का वेरिएशन हो सकता है। टेक्स्ट बुक में बहुत बढ़िया ग्राफ दिया हुआ है, हम लोग उसी ग्राफ को थोड़ा बहुत एनालिसिस करेंगे। टेक्स्ट बुक का जो मैं आपको ग्राफ दिखा रहा हूं उसमें जो आपको एक्स एक्सिस दिखाई दे रहा है उसमें टेम्परेचर है, जो मैं आपको वाई एक्सिस दिखा रहा हूं उसमें रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी एक ही तरह की चीज होती है, डोंट टेक टेंशन अबाउट दैट। तो टेम्परेचर और रेजिस्टेंस का जब हमने ग्राफ बनाया तो हमें इस तरह का एक स्ट्रेट लाइन मिला। देखो इसका मतलब क्या है, इस तरह के ग्राफ को लीनियर ग्राफ बोला जाता है। इस तरह के ग्राफ को लीनियर ग्राफ बोला जाता है। क्या मतलब है इस चीज का, बिल्कुल ध्यान से समझिए। इस चीज का मतलब है कि रेजिस्टेंस जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर से। यानी कि क्या, जैसे जैसे आप टेम्परेचर को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे किसी भी एलिमेंट का रेजिस्टेंस भी बढ़ता जाएगा। जैसे यहां पे जो एलिमेंट लिया है वो कॉपर लिया है, यहां पे जो एलिमेंट लिया है वो क्या लिया है, कॉपर लिया है। तो किसी भी एलिमेंट का रेजिस्टेंस टेम्परेचर के साथ बढ़ता जाता है, यानी कि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। आपने इस बात को अच्छी तरह से ध्यान में रखना है, ठीक है? तो ग्राफ क्या बोलता है, ग्राफ हम लोग हमारा भी बनाएंगे, हम लोग भी हमारा ग्राफ बनाएंगे यहाँ पे। लेट्स सी हमारा ग्राफ क्या होगा। हम लोग भी यहाँ पे इस तरह से ग्राफ बनाएंगे, यहाँ पे हम रखेंगे आर दैट इज द रेजिस्टेंस, यहाँ पे हम लोग रखेंगे टी दैट इज द टेम्परेचर, और यहाँ पे हम लोग बनाएंगे इस तरह का एक ग्राफ ऐसा वाला। और ये ग्राफ हमें ये बता रहा है कि रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। यानी कि हमें क्या पता चल रहा है, हमें पता चल रहा है एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल ऑल्सो इंक्रीजेस। रेजिस्टेंस बढ़ता है तो किसी मटेरियल का टेम्परेचर बढ़ता है तो किसी मटेरियल का रेजिस्टेंस भी बढ़ता है, ठीक है? बट एक छोटा सा नॉलेज मैं आपको देना चाहूंगा, छोटा सा नॉलेज देना चाहूंगा, ठीक है? यहां पे मैं लिखना चाहूंगा एक इस तरह का मार्क, और यहां पे भी मैं करना चाहूंगा एक इस तरह का मार्क, ठीक है? इस तरह का मार्क आप कभी देखते हैं ना तो इसको कंडीशन अप्लाई बोलते हैं। कंडीशन अप्लाई मार्क मतलब कभी भी आपको स्पेशल बात बताना चाहते हैं तो ये चीज मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस के साथ होती है। जैसे कॉपर हो गया, कोई भी ले लो, मोस्ट ऑफ द सब्सटेंस के साथ ये बात ट्रू है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। बट एक नॉलेज की बात जिसको मैं यहां पे लिख रहा हूं नोट में, एक नॉलेज की बात मैं देता हूं आपको, ठीक है? देर आर सम मटीरियल्स
whose resistance decrease if we increase temperature. याद रखना है, कुछ ऐसे मटेरियल्स होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस नहीं बढ़ता, उल्टा कम होता है। एग्जाम्पल के तौर पे थर्मिस्टर, एग्जाम्पल के तौर पे सेमी कंडक्टर्स। अब आई डोंट नो आपने सेमी कंडक्टर्स का नाम कभी सुना है, सिलिकॉन का नाम सुना होगा तो काम चलेगा, सिलिकॉन इज ऑल्सो अ सेमी कंडक्टर, ठीक है ना, सिलिकॉन। ये ऐसे एग्जाम्पल है कुछ बंदे लोगों के जो ये चीज फॉलो नहीं करते, बहुत कम है, बहुत कम है, बट मोस्ट ऑफ द लोग, मोस्ट ऑफ द लोग ये फॉलो करते हैं। क्या फॉलो करते हैं कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपका रेजिस्टेंस बढ़ेगा। मोस्ट ऑफ द लोग ये फॉलो करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, बट ये बात सब लोगों पे अप्लाई नहीं होती। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ये चीज फॉलो नहीं करते। तो जब आप कुछ लोगों की बात कर रहे हो, मैंने एग्जाम्पल्स भी आप लोग के सामने रख दिया है, कुछ लोग ऐसे होते हैं टेम्परेचर बढ़ने पे उनका रेजिस्टेंस घट जाता है, बढ़ता नहीं है। क्यों ऐसा होता है, क्या होता है, अभी फिलहाल हम उसमें एंटर नहीं करेंगे। यस चंद्र प्रभा, एब्सोल्युटली करेक्ट, हायर टेम्परेचर इज हायर रेजिस्टिविटी, एब्सोल्युटली करेक्ट। तो अभी तक से आपको समझ में आया कि हम लोग किस में इंटरेस्टेड है, हमारे चैप्टर में हम लोग इंटरेस्टेड है इस वाले कैटेगरी में। कौन से वाली कैटेगरी में? टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, हम लोग इस वाली कैटेगरी के चीजों में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। ये वाली कैटेगरी के चीजों में इंटरेस्ट दिखाएंगे जब सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, अभी फिलहाल इसमें इंटरेस्टेड है हम लोग। तो हमें करना क्या है, क्या टॉपिक खाली इतना है? क्या हमें पता चल गया कि रेजिस्टेंस और टेम्परेचर का साथ क्या लेना देना है? क्या हमें पता चल गया कि टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रेजिस्टेंस भी बढ़ता है? क्या हमें पता चल गया कि कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने पर रेजिस्टेंस घट जाता है? क्या टॉपिक यहाँ पे खत्म हो गया? नहीं, टॉपिक अब शुरू हुआ है। टॉपिक आपसे ये चाहता है कि हमें एक फॉर्मूला चाहिए। क्या चाहिए हमें? हमें एक फॉर्मूला चाहिए जो हमें किसी भी टेम्परेचर की वैल्यू पे रिस्पेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू दे। क्या लिखा है मैंने, बिल्कुल ध्यान से समझें। हमें एक ऐसा फॉर्मूला चाहिए जो फॉर्मूला हमें किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये बता सके कि सामने वाली पार्टी का रेजिस्टेंस कितना है। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर किसी ने आपको बोला, एग्जाम्पल के तौर पे किसी ने आपको ऐसा बोला कि अभी फिलहाल 10 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और मेरे मटेरियल का जो रेजिस्टेंस है वो 2 ओम्स का है, वो चाहता है कि आप ये बताओ कि अगर टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस हो जाए तो मेरे मटेरियल का रेजिस्टेंस कितना होगा। बात को समझो, आप एक ऐसा फॉर्मूला डिराइव करना चाहते हो जो किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ये बता दे कि भाई इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे इस आदमी का इतना सा रेजिस्टेंस होगा। हमें ये करना है, हमें ये करना है। अब ये फॉर्मूले का डेरिवेशन, जो फॉर्मूला हम लोग कर रहे हैं, जो फॉर्मूला अभी आप देख रहे हो, ये फॉर्मूले का डेरिवेशन आपके सिलेबस में नहीं है। मुझे ऐसा लगता है मेरा स्क्रीन फ्रीज हो गया है। मस्त ना क्लास, जस्ट अ मिनट, जस्ट अ मिनट। यस,
बहुत ही बढ़िया। हाँ, क्या बोल रहा हूं मैं, क्या बोल रहा हूं मैं, किसी आदमी ने आपको क्या बोला, 10 डिग्री सेल्सियस पे 2 ओम्स आपका रेजिस्टेंस है, बताओ अगर टेम्परेचर बढ़ के 25 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा तो कितना रेजिस्टेंस होगा। क्या क्वेश्चन सबको समझ में आ रहा है, क्या सबको समझ में आ रहा है डिमांड क्या है, और क्या सबको समझ में आ रहा है फॉर्मूला किस खुशी में हमें निकालना है। एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज द डिमांड एंड व्हाई यू वांट द फॉर्मूला, इज अ रफ आइडिया अबाउट द फर्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर इज क्लियर, एनी डाउट्स इन द फर्स्ट पेज ऑफ द चैप्टर, गिव मी अ यस और नो ऑल ऑफ यू, एनी डाउट्स, एनी डाउट्स। नहीं वरदान, यूनिटरी मेथड नहीं चलेगा, यूनिटरी मेथड नहीं चलेगा। आप यूनिटरी मेथड इसलिए लगा सकते हैं क्योंकि स्ट्रेट लाइन आ रहा है, यूनिटरी मेथड लगा सकते हो, बट आप यूनिटरी मेथड तभी लगा सकते हो जब स्ट्रेट लाइन आ रहा है, बट सब मटेरियल का ग्राफ ऐसा नहीं होता, इसलिए हमें प्रॉब्लम है। यस यस, आज तक 2 के आगे ओम्स लिखा हुआ है, ओम्स जो है वो आपके रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट है, वो आपके रेजिस्टेंस का एसआई यूनिट है। मनाली, हम लोग ऐसा बात कर रहे हैं कि अगर किसी सब्सटेंस का रेजिस्टेंस 10 डिग्री पे 2 ओम्स है तो वो हमसे पूछना चाहता है कि 25 डिग्री पे कितना ओम उसका रेजिस्टेंस होगा, ऐसा सवाल सामने वाला इंसान पूछ रहा है हमसे, तो हमें एक फॉर्मूला निकालना है इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकालने के लिए। आर यू अंडरस्टैंडिंग मनाली क्या कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे, 10 डिग्री सेल्सियस पे इतना रेजिस्टेंस है, 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना रेजिस्टेंस होगा हमें ये बताना है। इज दैट क्लियर, एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज हैपनिंग, एंड यू हैव टू वेट फॉर 2 सेकंड्स क्योंकि मेरा स्क्रीन वापस अटक गया, जस्ट 2 सेकंड्स। वाईफाई जा रहा है, करेंगे करेंगे, जस्ट अ मिनट। ओके क्लास, आई एम बैक। चलिए, क्या बोल रहे हैं हम लोग, हम लोग बात ये कर रहे थे कि 10 डिग्री सेल्सियस पे 2 ओम्स का रेजिस्टेंस है, ये ओहम आपको पता चलता है ना, ओम ओहम्स, इसको इस तरह से डिनोट करते हैं, ये आपके रेजिस्टेंस का यूनिट होता है, ये आपके रेजिस्टेंस का क्या होता है क्लास, यूनिट होता है, ठीक है। तो अभी आपको पूछ रहा है कि अगर 10 डिग्री सेल्सियस पे अगर आपका 10 ओहम आपका रेजिस्टेंस है तो 25 डिग्री सेल्सियस पे कितना आपका रेजिस्टेंस होगा, ये हमारा क्वेश्चन है। तो हमें इसके लिए निकालना है एक फॉर्मूला, आ रही है सबको बात समझ में। नाउ नाउ, अब आपके टेक्स्ट बुक में इस फॉर्मूले का कोई भी डेरिवेशन नहीं है, ठीक है ना, जो टेक्स्ट बुक है वो डायरेक्टली एक लीनियर इक्वेशन को एक्सप्रेस करता है, और डेरिवेशन आपको एग्जाम में आने भी नहीं वाला है, डायरेक्टली एक लीनियर इक्वेशन के हिसाब से बात करता है। अब वो इक्वेशन आप कभी ना कभी तो पढ़ोगे, यानी कि क्या पढ़ोगे, टेक्स्ट बुक क्या लिखता है मैं आपको बताता हूं, अगर आप डायरेक्टली देखोगे तो टेक्स्ट बुक क्या लिखता है डायरेक्टली आपके यहाँ पे, इट कैन बी सीन दैट द वेरिएशन इज लीनियर ओवर अ सर्टन रेंज ऑफ टेम्परेचर, सच अ लीनियर एक्सप्रेशन कैन बी रिटन एज लाइक दिस। देखो, डायरेक्टली टेक्स्ट बुक ने लिख दिया ऐसा होता है, और यही जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हो, ये फॉर्मूले का डायरेक्टली फाइनल आंसर भी उसने ऐसे लिखा, ये देखो रेजिस्टेंस के फॉर्मूले फाइनल आंसर डायरेक्टली लिखा, मतलब देर आर नो डेरिवेशंस अकॉर्डिंग टू दिस टेक्स्ट बुक जो हम अभी पढ़ रहे हैं, इसमें कोई डेरिवेशन नहीं है। पर फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको 2-3 चीजें थोड़ा अच्छे से समझाऊं, क्योंकि डेरिवेशन ना होने का नुकसान ये होता है कि हमें समझ में नहीं आता कि हम क्या क्या चीजें में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा हम लोग को इसको थोड़ा चीजों को समझना पड़ेगा, फॉर्मूला तो दिया हुआ है, फॉर्मूला वैसे भी दिया हुआ है, थोड़ा डिटेल में समझते हैं कि क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। सबसे पहली बात, यहां पे जो मैंने अभी ग्राफ बनाया, ठीक है,
इधर था रेजिस्टेंस, इधर है टेम्परेचर, और आप बहुत ही अच्छी तरह से देख सकते हो कि इस तरह का ग्राफ आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, हमें क्या करना है, हमें एक पर्टिकुलर टेम्परेचर की वैल्यू पे एक पर्टिकुलर रेजिस्टेंस की वैल्यू को सेलेक्ट करना है। सपोज कीजिए इस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे यानी कि T1 पे आपके पास R1 नाम का रेजिस्टेंस है, कोई भी T1 टेम्परेचर है उस पे R1 रेजिस्टेंस है। ठीक है, तो व्हाट इज R1 रेजिस्टेंस एट T1, मतलब किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे आपके पास एक R1 नाम का रेजिस्टेंस है। सपोज कीजिए कोई और पर्टिकुलर टेम्परेचर आप कंसिडर करें, उस टेम्परेचर को आप T2 नाम दें, और उस पर्टिकुलर टेम्परेचर पे जो रेजिस्टेंस है वो R2 है आपके पास। व्हाट इज R2 फॉर यू? R2 इज रेजिस्टेंस एट T2 डिग्री सेल्सियस या T2 केल्विन, जो भी टेम्परेचर आपका उस पे उतने टेम्परेचर पे कितना रेजिस्टेंस है, उतने टेम्परेचर पे कितना रेजिस्टेंस है, क्योंकि टॉपिक ही यही बोलता है, टॉपिक के बारे में यही बात कर रहे हैं हम लोग कि अगर टेम्परेचर बदल रहा है तो रेजिस्टेंस भी बदल रहा है, बराबर है कि नहीं है? तो T1 टेम्परेचर पे R1 रेजिस्टेंस था, T2 टेम्परेचर पे R2 रेजिस्टेंस था। बात सबको इजीली समझ में आ रही होगी। ठीक है, अब हमको क्या समझना है, थोड़ी बहुत और बातें कर लेते हैं। इस वाले सिनेरियो में हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऐसा मान सकते हैं कि जो R1 नाम का रेजिस्टेंस है, जो R1 नाम का रेजिस्टेंस है उसको हम लोग कंसिडर कर लेते हैं इनिशियल रेजिस्टेंस, हमारे कहानी का इनिशियल रेजिस्टेंस। R2 नाम का जो रेजिस्टेंस है उसको हम कंसिडर कर लेते हैं फाइनल रेजिस्टेंस। याद रखिए हमारे कहानी का, हमारे कहानी में दो रेजिस्टेंस है, एक R1 है एक R2 है, तो ऑब्वियसली बात है हम R1 को इनिशियल मान सकते हैं, हम R2 को फाइनल मान सकते हैं। ठीक है ना, R1 पहले आया R2 बाद में आएगा, इसलिए इनिशियल एंड फाइनल। T1 को आप क्या लिख सकते हो, T1 को आप लिख सकते हो इनिशियल टेम्परेचर, एंड T2 को आप लिख सकते हो फाइनल टेम्परेचर। ये सब बातें मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि आपको क्वेश्चन में कभी ना कभी ऐसी चीजें देखने के लिए मिल सकती हैं, इसलिए पहले ही बता देता हूं, कभी ना कभी क्वेश्चन में ऐसा लिखेगा कि रेजिस्टेंस एट दिस टेम्परेचर इज दिस मच, न्यूमेरिकल करवाऊंगा तो समझ में आएगा मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, अभी सिर्फ नामकरण समझा रहा हूं, ऐसे बोल सकता है वैसे बोल सकता है, सिर्फ बता रहा हूं ऐसे हो सकता है वैसे हो सकता है। ठीक है, या फिर R1 को इनिशियल रेजिस्टेंस बोल सकता है, R2 को फाइनल रेजिस्टेंस बोल सकता है, T1 को इनिशियल टेम्परेचर बोल सकता है, T2 को फाइनल टेम्परेचर बोल सकता है। ठीक है, इन सब चीजों के समझने के बाद जो फॉर्मूला आपके पास आता है वो फॉर्मूला आता है R2 इज इक्वल टू, एज आई सेड देयर इज नो डेरिवेशन ऑफ द फॉर्मूला इन योर सिलेबस, वी जस्ट हैव टू अंडरस्टैंड दिस फॉर्मूला, R1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 एंड अ ब्रैकेट। इस फॉर्मूले की मदद से आप लोग किसी भी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे कोई भी रेजिस्टेंस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। मैं दिखाऊंगा कि किसी भी इस फॉर्मूले का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे, मैं दिखाऊंगा, पर इस फॉर्मूले में जरा पहले देख लेते हैं जो भी वैल्यू लिखी हुई है क्या उसके बारे में हमें पता है। व्हाट इज R2? मुझे पता है R2 एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो T2 नाम के टेम्परेचर पे है ना, या फिर R2 फाइनल रेजिस्टेंस है। R1 एक ऐसा रेजिस्टेंस है जो T1 नाम के टेम्परेचर पे है, मुझे पता है, या फिर R1 इनिशियल रेजिस्टेंस भी लिखा जा सकता है, T2 फाइनल टेम्परेचर, T1 इनिशियल टेम्परेचर, पर इन पूरे फॉर्मूले में एक ऐसा बंदा है जिसके बारे में हमने अभी तक से पढ़ा ही नहीं, और वो एक बंदे का नाम है अल्फा। बाकी सब चीज हमें पता चली, ये फॉर्मूला कैसे काम करता है जब मैं न्यूमेरिकल करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, पर पहले फॉर्मूले में सब चीजों को समझ तो लेते हैं। अल्फा क्या है? अल्फा का नाम पहले आपने समझना है। अल्फा को बोला जाता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ
रेजिस्टिविटी, और यू कैन कॉल इट एज टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑल्सो. अल्फा का नाम होता है टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. सवाल ये उठता है कि अल्फा क्या है, अल्फा क्या है. अगर मुझे कोई पूछे व्हाट इज आर टू, सर आर टू इज फाइनल रेजिस्टेंस. व्हाट इज आर वन, सर आर वन इज इनिशियल टेम्परेचर. व्हाट इज टी टू, फाइनल टेम्परेचर. व्हाट इज टी वन, इनिशियल टेम्परेचर. तो मुझे सब लोगों के बारे में सब कुछ पता है, पर अल्फा के बारे में मुझे अभी तक से खाली नाम पता है. ठीक है, पर अभी मैं अल्फा का यूनिट भी लिख देता हूं, यूनिट ऑफ अल्फा भी मैं लिख देता हूं. यूनिट ऑफ अल्फा होता है, अच्छी तरह से बात समझिए, यूनिट ऑफ अल्फा होता है पर डिग्री सेल्सियस, और यू कैन राइट इट एज डिग्री सेल्सियस माइनस वन. एक ये अल्फा का यूनिट हो सकता है, या अल्फा का यूनिट हो सकता है पर डिग्री केल्विन और डिग्री केल्विन इनवर्स. आयो आपको पता हो कि टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर जो है वो डिग्री या केल्विन में नापा जा सकता है. ठीक है, सो जो अल्फा का यूनिट है वो डिग्री सेल्सियस में हो सकता है पर डिग्री सेल्सियस. जैसे कोई चीज नीचे लिखी जाती है ऊपर उसमें माइनस वन लिखा जाता है, या फिर केल्विन में लिखा जा सकता है. जैसे कोई चीज है नीचे है तो ऊपर माइनस वन लिखा जा सकता है. ठीक है, तो फेरेनहाइट में भी हो सकता है, फेरेनहाइट में भी हो सकता है, बट फेरेनहाइट इतना ज्यादा यूज नहीं होता. डिग्री सेल्सियस और केल्विन ही यूज होता है, फेरेनहाइट हम लोग इतना ज्यादा यूज नहीं करते. ठीक है, पर फिलहाल अल्फा क्या होता है वो मैं थोड़ी देर में आपको समझाता हूं कि अल्फा बेसिकली क्या होता है, उसका क्या यूज होता है, कैसे अल्फा दिखता है, थोड़ी देर में करते हैं. पर फिलहाल मैं ऐसा चाहता हूं कि इस फॉर्मूले को लेके थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो हमारे अंदर. ये फॉर्मूला जरा यूज करना तो समझ में आए, अगर ये फॉर्मूला यूज करना समझ में आएगा तो फिर थोड़ा कॉन्फिडेंस आएगा, फिर हम लोग समझते हैं कि अल्फा क्या होगा. फिलहाल क्या समझा तुमने, अल्फा का नाम और अल्फा का यूनिट. इसको डिग्री बोलते हैं, इसको डिग्री बोलते हैं, डिग्री सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस माइनस वन, डिग्री केल्विन या डिग्री केल्विन माइनस वन, डिग्री. इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? वो पीछे है ना, किधर है वो पीछे, मीना क्या बोलना चाहते हैं? क्रिश 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 कंट्रोल, आप भी फाइंड कर सकते हो वो. हाँ पॉइंट पीछे, ऐसा ऊपर लिखने का, किसी डिग्री सेल्सियस ऊपर. डिग्री है वो, ओ नहीं है, वो ओ नहीं है, वो डिग्री है. ऐसा डिग्री लिखते अपन, 90 डिग्री का भी लिखते, 90 ऊपर डिग्री, पर यहां पे डिग्री पीछे. ठीक है, ओके, अब मेरी बात बिल्कुल ध्यान से सब लोग ने समझ लिया. हाँ अभी तक से तुम्हें क्या पता चला, तुम्हें पता चला एक फॉर्मूला है, ये फॉर्मूले का यूज करना अभी मैं दिखाऊंगा. तुम्हें पता चला कि अल्फा क्या होता है, नाम पता चला खाली, टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस. तुम्हें पता चला अल्फा का यूनिट क्या है, पर डिग्री सेल्सियस या पर केल्विन. पहले एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं, पहले समझ लेते हैं कि क्या हमें ये फॉर्मूला समझ में आता है, उसके बाद हम लोग अल्फा के पीछे भागेंगे. लेट अस स्टार्ट विद अ न्यूमेरिकल. ठीक है, टेक्स्ट बुक का ही न्यूमेरिकल है, बहुत ही बढ़िया न्यूमेरिकल है. एक न्यूमेरिकल में पूरा अपना काम तमाम हो जाएगा, पूरा आपको एक एक्सपीरियंस आ जाएगा कि क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. ये था हमारा पेज नंबर टू. अब हम जा रहे हैं हमारे पेज नंबर थ्री के ऊपर. मैं सॉल्व कर रहा हूं एग्जाम्पल 11.7, सबका ध्यान होना चाहिए यहां पे, प्लीज पे अटेंशन. अ पीस ऑफ प्लैटिनम वायर, अ पीस ऑफ प्लैटिनम वायर हैज रेजिस्टेंस 2.5 ओहम एट 0 डिग्री सेल्सियस. क्या बोला, क्या बोला? एक प्लैटिनम की वायर है जिसके पास जो रेजिस्टेंस है वो 2.5 ओहम है 0 डिग्री सेल्सियस पे. तो मैंने ये लिखना है कि नहीं लिखना है? मैंने लिखना है. मैंने क्या लिखना है, 2.5 ओहम एट 0 डिग्री सेल्सियस. ऐसा क्वेश्चन पहली लाइन में बोलता है, मैंने लिख लिया. आगे बढ़ते, इफ इट्स टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज इतना, इसका मतलब शायद वो मुझे अल्फा की वैल्यू बताना चाह रहे हैं. कितना है मेरा अल्फा का वैल्यू, अल्फा का वैल्यू है मेरा 4 × 10⁻³ एज यू सी पर डिग्री सेल्सियस. हमने यूनिट अभी देखा था, पर डिग्री सेल्सियस हमारा यूनिट है, हमें अल्फा भी गिवन है. बहुत ही बढ़िया. क्या चाहता है वो हमसे, हमसे क्या चाहता है वो, हमसे चाहता है फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एट 80 डिग्री सेल्सियस.
वो ये चाहता है कि हम उसको बताए कि रेजिस्टेंस एट 80 डिग्री सेल्सियस कितना है। अगर आप मेरे इस वाले क्वेश्चन को ध्यान देंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैंने पहले ही आपको ये बताया था कि हम ये फॉर्मूला क्यों डिराइव कर रहे हैं। वो किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे बताएगा कितना रेजिस्टेंस होता है और किसी और टेम्परेचर पे पूछेगा बताओ कितना रेजिस्टेंस आएगा। क्या ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था और अभी जो वो क्वेश्चन बोल रहा है क्या वो एग्जैक्टली सेम है? किसी टेम्परेचर पे बताया कितना रेजिस्टेंस है, किसी और टेम्परेचर पे पूछता है कितना रेजिस्टेंस है। क्या ये क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है? क्या आपको एक फीलिंग आ रही है कि हम लोग क्यों ये कर रहे हैं? क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये फॉर्मूला हमने क्यों यहाँ पे लिखा हुआ है? गिव मी यस और नो एवरीबॉडी। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या सॉल्विंग कर सकते हैं, क्या हम सॉल्विंग कर सकते हैं? लेट्स स्टार्ट इसको करते हैं बंद, इसको करते हैं बंद, ध्यान देते हैं यहां पे। अगर आप नोटिस करोगे तो मैंने आपको क्या समझाया है कि हमारे पास कुछ ऐसी चीजें होंगी जो इनिशियल होंगी, हमारे पास कुछ ऐसी चीजें होंगी जो फाइनल होंगी। इस वे में मैंने आपको समझाया, ठीक है। मुझे क्या लगता है कि जो T1 टेम्परेचर है उसको 0 डिग्री सेल्सियस ले लेना चाहिए और जो T2 टेम्परेचर है उसको 80 डिग्री सेल्सियस ले लेना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कहानी की शुरुआत यहां से हुई थी और कहानी यहां खत्म हुई थी। तो ये कहानी में ये बंदा मेरे लिए इनिशियल का रोल प्ले करेगा और ये बंदा मेरे लिए फाइनल का रोल प्ले करेगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस मैंने इनिशियल टेम्परेचर मान लिया, 80 डिग्री सेल्सियस मैंने फाइनल टेम्परेचर मान लिया। R1 2.5 ओहम, R2 पता नहीं। क्या तुम्हें गिवन समझा मैंने किस तरह से लिखा? क्या किसी को समझ में आया इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर, इनिशियल रेजिस्टेंस, फाइनल रेजिस्टेंस? वो चाहता है कि तुम R2 फाइंड करो, बराबर है कि नहीं? बोलो बराबर है कि नहीं? कहानी सिंपल है कि नहीं? कहानी सिंपल है कि नहीं? इनिशियल टेम्परेचर का इनिशियल रेजिस्टेंस, फाइनल टेम्परेचर का फाइनल रेजिस्टेंस निकालना है हमें, बिल्कुल है कि नहीं? सही है कि नहीं बात? बिल्कुल सही। आगे बढ़ू? यस, एवरीबडी इज अंडरस्टैंडिंग हाउ टू एक्सट्रैक्ट द गिवन फ्रॉम द क्वेश्चन? कोई डाउट नहीं होना चाहिए अभी तक से। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है R2 इज इक्वल टू R1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। अब हमें स्टार्ट करना है, बिल्कुल ध्यान से देखिए। R2 हमें फाइंड करना है। व्हाट इज R1? R1 कितना है? 2.5, आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं। ब्रैकेट 1 प्लस हाउ मच इज अल्फा? हाउ मच इज अल्फा? अल्फा इज 4 × 10⁻³, बट 4 × 10⁻³ कैन बी रिटन एज 0.004। 4 × 10⁻³ कैन बी रिटन एज 0.004, डेसिमल लेफ्ट साइड में शिफ्ट होगा। एक ब्रैकेट, ये अल्फा मैंने पुट अप किया है यहां पे। T2 कितना है? T2 है 80, T1 कितना है? 0 एंड अ ब्रैकेट क्लोज। अब खाली इसको सॉल्व करना है। 2.5 1 प्लस 0.004 × 80 में से 0 जाएगा, बचेगा 80। R2 इज 2.5 1 प्लस 80 में जाएगा 32 होगा, इसका ये पड़ेगा 0.32। अब 1 प्लस 0.32 भी कर सकते हो आप, ये होगा 2.5 1 प्लस 0.32 1.32 एंड 2.5 × 1.32 तो आप इजीली कर सकते हो। आगे खत्म है कहानी। अब क्या चाहिए तुम लोगों को? क्वेश्चन समझ में आ रहा है? तुम्हें समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या मांगता है? तुम्हें समझ में आ रहा है क्वेश्चन क्या पूछता है? तुम्हें समझ में आ रहा है ये फॉर्मूला कैसे काम करता है? एवरीथिंग इज हियर, एवरीथिंग इज हियर। हाँ या ना हो जाए? मजा आ रहा है?
सिंपल है एकदम, एकदम सिंपल है। कैसे फॉर्मूला काम करता है, किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे तुम्हें रेजिस्टेंस दिया होगा, किसी और टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस पूछेगा। याद रखिए अभी तक से अल्फा के बारे में बातचीत हुई नहीं है, पर अल्फा के बारे में बातचीत ना होने का इस न्यूमेरिकल पे कोई असर नहीं पड़ता। तुम्हें पता है अल्फा क्या कर रहा है? यू नो व्हाट्स अल्फा इज? अल्फा एक वैल्यू है, फिलहाल के छोड़ दो, टेम्परेचर कोएफिशिएंट है, देखेंगे उसको, स्टडी करेंगे हम लोग। क्या तुम तैयार हो और एक न्यूमेरिकल के लिए? बोलो रे बाबा बोलो, क्या तुम तैयार हो? बहुत ही बढ़िया, चलो फिर और एक न्यूमेरिकल हो जाए, है ना? बराबर है ना? मेरा ऐसा मानना है कि जब तक बच्चे को न्यूमेरिकल में कॉन्फिडेंस नहीं आता, बच्चे को थ्योरी में भी कॉन्फिडेंस नहीं आता। न्यूमेरिकल शुड बी एकदम बढ़िया, क्योंकि फिजिक्स में जिस चीज से आप भागते हो वो न्यूमेरिकल ही है, वो न्यूमेरिकल ही है, और किसी से नहीं भागते। फिजिक्स की थ्योरी ऐसी है कि आपको रियल लाइफ से उसको इन्फ्लुएंस करके तो कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा मजा आएगा। और एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं, फोर्थ न्यूमेरिकल। यू कैन सी दिस न्यूमेरिकल इन द स्क्रीन हियर, ठीक है? यहाँ पे न्यूमेरिकल में आप देख सकते हो स्क्रीन पे, ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहा हूं मैं, ये न्यूमेरिकल मैं सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है? बिल्कुल ध्यान से देखिए, अ सिल्वर वायर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 4.2 ओहम एट 27 डिग्री सेल्सियस। बिल्कुल बढ़िया, क्या बोला? 4.2 ओहम है 27 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? सिद्धेश जरा उठ के बैठ, बेटा सिद्धेश उठ के बैठ, मेरे को ना बहुत गुस्सा आता है यार, जब तुम लोग ऐसा मेरा लेक्चर सो सो के देखते हो और ऊपर भी तुम उसमें। हाँ, 4.2 ओहम है और 27 डिग्री सेल्सियस पे उसका आप देख रहे हो, ठीक है? अगला लाइन पढ़िए, अगला लाइन पढ़िए, अगला लाइन क्या? 5.4 ओहम्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। क्वेश्चन में कुछ अलग नजर आ रहा है? क्वेश्चन में तो दोनों दे दिया है, क्वेश्चन क्या चाहता है? डिटरमाइन द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, बोलता है अल्फा फाइंड करके बताओ। मजे की बात है कि तुमको पता भी नहीं अल्फा क्या होता है, फिर भी फाइंड कर रहे हो, वाओ। चलो करते हैं, क्या क्या फर्क पड़ता है, करते हैं। पर फिलहाल गिवन लिखते हैं, फिलहाल क्या लिखते हैं? गिवन लिखते हैं। इनिशियल कहानी क्या बोलती है? इनिशियल कहानी ये बोलती है कि R1 को 4.2 ओहम ले लो, R2 को 5.4 ओहम ले लो, T1 को 27 डिग्री सेल्सियस ले लो और T2 को 100 डिग्री सेल्सियस ले लो और अल्फा फाइंड करने लग जाओ। फॉर्मूला क्या है भाई? फॉर्मूला हमें याद है, R2 इज इक्वल टू R1 ब्रैकेट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1 एंड द ब्रैकेट इज क्लोज्ड। एवरीबडी नोज दिस इज द फॉर्मूला, राइट? अभी क्या करें, यहां से पहले अल्फा को अलग करो, अल्फा चाहिए ना, उसको एक कोने में करो, बाकी लोगों को एक कोने में करो, फिर आगे का बातचीत अपन लोग स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है? एक काम करते हैं, तब इस R1 को अपन नीचे लेके आते, R1 को नीचे लेके आते, ठीक है? तो कैसे लाएंगे हम R1 को नीचे? R1 को नीचे लेके आए क्या? एक काम करते हैं, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, पहले ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। R2 R1 प्लस R1 अल्फा T2 माइनस T1। आई होप ये स्टेप सबको समझा रहेगा। मैंने R1 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, तो R1 इंटू 1 इज R1, R1 इंटू दिस होल टर्म इज दिस मच, ठीक है? अब एक काम करो, इस R1 को इधर लेके जाओ, तो ये हो जाएगा R2 माइनस R1, क्योंकि यहां R1 प्लस में है, यहां आएगा तो माइनस में हो जाएगा, इक्वल टू यहां क्या बचेगा? R1 अल्फा T2 माइनस T1। अब तुम्हें अल्फा अकेला चाहिए, तुम्हें अल्फा अकेला चाहिए, R1 और T2 माइनस T1 यहां पे मल्टीप्लीकेशन में है, तो जब वो यहां आएगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो R2 माइनस R1 पहले से ऊपर है, नीचे डिवीजन में R1 और T2 माइनस T1 आ जाएगा। ये बन गया हमारा अल्फा का फॉर्मूला,
पहले तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, मैंने अल्फा का फॉर्मूला कैसे निकाला उतना सबको समझा कि उसको भी उसमें भी प्रॉब्लम है, हाँ या ना हो जाए पहले? कम ऑन है, हाँ या ना हो जाए? समझा अल्फा कैसे निकाला? सिंपल है यार, एकदम सिंपल है यार, खाली ब्रैकेट ओपन किया, थोड़ा इधर उधर किया, थोड़ा शिफ्टिंग किया, कम ऑन है यार, है ना? सबको समझा? रिप्लाई रिप्लाई करना है, कोई 100 के लेक्चर तो नहीं देख रहा? अगर आप 100 के लेक्चर देख रहे हो ना, तो प्लीज इस बात का ख्याल रखो कि गलती से आपका वीडियो चालू ना हो जाए, बस इस बात का ख्याल रखो कि गलती से आपका वीडियो चालू ना हो जाए, क्योंकि अगर आपका वीडियो चालू हो गया तो मैं आपको उठा के बाहर फेंक दूंगा। अगर मुझे दिख गए कि आप 100 के लेक्चर अटेंड कर रहे हो, बाहर, नहीं अटेंड करने का लेक्चर। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। वी हैव जस्ट मल्टीप्लाइड आर वन इन साइड द ब्रैकेट, आर वन इंटू वन इज आर वन, आर वन इंटू दिस होल टर्म इज दिस। ये आर वन इधर प्लस में था, यहां पे जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, फिर ये टर्म खाली यहां बचता है, ठीक है? अब ये टर्म में ये और ये बंदे लोग इसके साथ मल्टीप्लीकेशन में है, जब कोई चीज इधर मल्टीप्लीकेशन में है तो इधर आती है, तो डिवीजन में आ जाती है। तो आप देख सकते हो आर वन माइनस आर टू वैसे का वैसे ही लिखा हुआ है, सिर्फ आर वन नीचे आ गया, टी टू माइनस टी वन भी नीचे आ गया, अल्फा अकेला बच गया। तो अल्फा का फॉर्मूला हम लोग लिख सकते हैं आर टू माइनस आर वन होल डिवाइडेड बाय आर वन टी टू माइनस टी वन एंड दिस इज द फाइनल फॉर्मूला ऑफ अवर अल्फा। अब क्या करना है? खाली पुटअप करना है। चलो पुटअप करते हैं, जस्ट पुटअप। ये होगा हमारा पेज नंबर पांचवा, अल्फा आर टू। आर टू कितना है भाई? आर टू है 5.4 माइनस 4.2, नीचे आएगा 4.2 ब्रैकेट 100 माइनस 27। ध्यान से देखिए, ये वाला फॉर्मूला था आर टू माइनस आर वन 5.4 माइनस 4.2, ठीक है? नीचे आर वन 4.2, टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन 100 माइनस 27, 100 माइनस 27। जो ये फॉर्मूला था उसमें मैंने पूरा का पूरा सब्स्टिट्यूट कर दिया। क्या आपको बात समझ में आ रही है सब्स्टिट्यूशन का? अब आप मेरी हेल्प करेंगे, फटाफट आप मुझे बताएंगे 5.4 माइनस 4.2 कितना होता है? कम ऑन एवरीबॉडी, हाउ मच इज 5.4 माइनस 4.2? 5.4 माइनस 4.2, 5.4 माइनस 4.2, 5.4 माइनस 4.2, बहुत ही बढ़िया, 1.2 डिवाइडेड बाय 4.2 एंड अ ब्रैकेट, 100 में से 27, 100 में से 27, 100 में से 27, 72 सूरज, 72, 100 में से 27, 72, बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया है। अब क्या, अब क्या, अब क्या 73 इंटू 4.2 आता है क्या? 73 इंटू 4.2 आता है क्या? 73 इंटू 4.2 आता है? 73 इंटू 42, 73 इंटू 4.2, 73 इंटू 4.2, कम ऑन कम ऑन कम ऑन, सब अलग अलग आंसर दे रहे हो यार, कोई 306 बोलता है, कोई 43.8 बोलता है, ऐसे मत करो यार, कोई 3.006 बोलता है। 73 इंटू 42, 73 इंटू 4.2 कर सकते हैं चंद्रप्रभा, कर सकते हैं आप, 12 को 42 के साथ भी कैंसिल कर सकते हैं, कर सकते हैं अंकिता, कर सकते हैं, कर सकते हैं, सब कर सकते हैं, आप अपने तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आप इसको सॉल्व करोगे, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको आंसर मिलेगा 0.00391 पर डिग्री सेल्सियस। और इसी चीज को आप लिख सकते हो 3.91 इंटू 10 to the power -3 पर डिग्री सेल्सियस, ये आएगी आपकी अल्फा की वैल्यू। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तुमने मुझे सही बताया ना, 73 इंटू 42 सही बताया ना तुम लोग ने मुझे? यार मल्टीप्लीकेशन डिवीजन में मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा यार, मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में टाइम वेस्ट नहीं करूंगा मैं, तुम्हें उतना तो खुद से करना पड़ेगा। बेसिक मैथ्स का लेक्चर लगा रहे हैं, वहां पे डिवीजन विविजन तुम लोग
कर सकते हो, 12 को, यहाँ पे 12 को 42 से भी कर सकते हो, जैसा करना है वैसा कर सकते हो, जैसा करना है वैसा कर सकते हो, ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी मर्जी, जो पसंद आए वो करो, ठीक है ना, जो पसंद आए वो करो, पर आंसर तुम लोग लेके आओ, वो मेरा इंपॉर्टेंस नहीं। बोलो, न्यूमेरिकल समझ में आया? हाँ या ना? डिड यू गेट द न्यूमेरिकल और नॉट? डिड यू गेट द न्यूमेरिकल और नॉट? पहले इसके बारे में बात करो। अलग फ्लेवर का न्यूमेरिकल था, सब कुछ दिया हुआ था, अल्फा फाइंड आउट करना था, सब कुछ दिया हुआ था, अल्फा फाइंड आउट करना था। बोलो बोलो बोलो, एवरीबडी इज ओके? गॉट इट गॉट इट गॉट इट? दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। बट सवाल अभी भी यही है, सवाल अभी भी यही है कि सर अल्फा क्या है, व्हाट इज अल्फा? तो अब हम लोग देखेंगे अल्फा क्या होता है, अब हम लोग देखेंगे कि अल्फा क्या होता है, ठीक है, विल बी सीइंग अल्फा। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर मेरे पास अल्फा का यहाँ पे फॉर्मूला है, अगर मेरे पास यहाँ पे अल्फा का फॉर्मूला है, तो क्यों ना इसी फॉर्मूले की मदद से मैं जरा अल्फा को थोड़ा डिफाइन करने की कोशिश करूं। क्या है अल्फा का फॉर्मूला मेरे पास? मेरे पास अल्फा का फॉर्मूला है R2 - R1 अपॉन R1 T2 - T1। ये मेरे पास अल्फा का फॉर्मूला मैंने अभी अभी निकाला। तो मैं सोच रहा हूं क्यों ना मैं इसी फॉर्मूले के बेसिस पे अल्फा को डिफाइन करने की कोशिश करूं, ठीक है, देखते कैसे डिफाइन होगा। सबसे पहले तुमको ये बात पता होनी चाहिए कि जब भी कोई चीज फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में होती है, जब भी कोई चीज फॉर्मूले में डिनोमिनेटर में होती है, तो आप पर वर्ड यूज करते हैं, पर, PER, पर आप ये वाला वर्ड यूज करते हैं, ठीक है, दिखाता हूं कैसे, दिखाता हूं मैं कैसे। चलो फॉर्मूला से डेफिनेशन लिखने की कोशिश करते हैं, ठीक है। R2 - R1 को हम कैसे लिखेंगे? वॉट कैन वी राइट R2 - R1? अगर आप R2 को R1 से माइनस कर रहे हैं तो आप इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है ना? हम लोग लिख सकते हैं जब चेंज इन रेजिस्टेंस, क्या लिखा हम लोग ने, क्या लिखा हम लोगों ने, द चेंज इन रेजिस्टेंस, R2 - R1 को मैंने लिखा रेजिस्टेंस में आने वाला बदलाव, रेजिस्टेंस में आने वाला बदलाव। अंकिता, आप टेक्स्ट बुक को साइड में रख के यहां पे ध्यान देंगे क्या? मुझे पता है टेक्स्ट बुक में क्या है, टेक्स्ट बुक में क्या नहीं है, वो काम मेरे पे छोड़ दो, आप क्यों टेंशन ले रहे हो? बराबर है ना? आपको यहां ध्यान देना है, मुझे पता है टेक्स्ट बुक में किधर क्या लिखा है, मुझे सब पता है, आप यहां पे ध्यान दो, ठीक है, पे अटेंशन हियर, डोंट डोंट बी वेरी स्ट्रेसफुल कि वहां क्या है यहाँ क्या है, वो टेंशन मेरा है, टेक्स्ट बुक में क्या दिया वो मेरा टेंशन है, आप यहां पे आओ, आप यहां पे टेंशन लो, आप ये चीज समझने की कोशिश करो। मैं अभी क्या कह रहा हूं आपसे, R2 - R1 को मैं लिख रहा हूं द चेंज इन रेजिस्टेंस। क्या मैं R2 - R1 को ऐसा लिख सकता हूं? हाँ मैं लिख सकता हूं, क्योंकि व्हाट इज R2 फॉर मी, व्हाट इज R2 फॉर मी, फॉर मी R2 इज फाइनल रेजिस्टेंस, व्हाट इज R1 फॉर मी, R1 इज इनिशियल रेजिस्टेंस। अगर मैं आपको ऐसा बोलूं कि मैं R2 - R1 कर रहा हूं, तो एक्चुअली मैं फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस कर रहा हूं, और अगर मैं फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस कर रहा हूं तो ऑब्वियसली मुझे चेंज इन रेजिस्टेंस ही तो मिलेगा। सोचो जरा बात को, सोचो जरा बात को कि रेजिस्टेंस में कितना बदलाव आया। आपके पास पहले थे 10 रुपए, अब आपके पास है 15 रुपए, तो 10 रुपए आपकी इनिशियल वैल्यू हो गई, 15 रुपए आपकी फाइनल वैल्यू हो गई। अगर आपने 15 को 10 से माइनस किया तो आपको यह पता चलेगा कि आपके पैसों में आया कितना बदलाव, चेंज, या फिर इंक्रीज इन रेजिस्टेंस भी तो बोल सकते हैं। आपके रेजिस्टेंस में इंक्रीज आया क्योंकि फाइनल वैल्यू बड़ी थी, इनिशियल वैल्यू छोटी थी, तो अगर आपने माइनस किया तो आपको क्या मिला, आपको मिला कि आपके पैसों में कितना बदलाव आया। आपके पास 5 रुपए का बदलाव आया, पर वो 5 रुपए का बदलाव आपके पैसों में इंक्रीमेंट था कि डिक्रीमेंट था? इंक्रीमेंट था। क्यों इंक्रीमेंट था? क्योंकि फाइनल वैल्यू बड़ी थी, इनिशियल वैल्यू छोटी थी। क्या हम R2 - R1 को ऐसा बोल सकते हैं? बोलो, पहले ये स्टेटमेंट सबको समझ में आ रहा है? क्या हम R2 - R1 को ऐसा बोल सकते हैं? कैन वी कॉल इट एज चेंज इन रेजिस्टेंस? कैन वी कॉल इट एज इंक्रीज इन रेजिस्टेंस? डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट?
एवरीबडी रिप्लाई, सब लोग का रिप्लाई, डू यू एग्री विद द स्टेटमेंट? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया. क्या बोला मैंने, क्या बोला मैंने? आर टू माइनस आर वन जो न्यूमेरेटर में लिखा हुआ है उसको पढ़ने का तरीका क्या है? उसको पढ़ने का तरीका द चेंज इन रेजिस्टेंस या द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस. द चेंज इन रेजिस्टेंस, द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस. अब डिनोमिनेटर में जाना है, अब का जाना है न्यूमेरेटर की बात हो गई, न्यूमेरेटर की बात हो गई, अब हम जा रहे हैं डिनोमिनेटर में. आ रही तुम्हें बात समझ में? आप डिनोमिनेटर में जब जाते हैं तब मैंने क्या कहा? तब मैंने कहा पर वर्ड यूज करते, PER, पर. वरदान, वरदान रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला एग्जैक्टली सेम जाता है, एग्जैक्टली सेम जाता है. ठीक है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टेंस एग्जैक्टली सेम जाता है फॉर्मूला, तो यू डोंट हैव टू टेक टेंशन अबाउट दैट. ठीक है वरदान, ओके. यहां पे ध्यान दो, क्या बोला मैंने? अब हम डिनोमिनेटर में जा रहे हैं. जब आप डिनोमिनेटर में जाओगे तो आप यूज करोगे पर. क्या यूज करोगे? वर्ब पर. डिनोमिनेटर में क्या है? व्हाट इज डिनोमिनेटर? आर वन. व्हाट इज आर वन? व्हाट इज आर वन? आर वन का नाम क्या है हमारे पास? इनिशियल रेजिस्टेंस, सबसे पहला वाला रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस. आर वन का हमने नाम दिया हुआ है इनिशियल रेजिस्टेंस, बट हम इसको ओरिजिनल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं. ओरिजिनल मतलब क्या? स्टार्टिंग में आपके पास कितना रेजिस्टेंस था, स्टार्टिंग में आपके पास कितना रेजिस्टेंस था, तो हम इसको ओरिजिनल रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं. हम इसको कैसे लिखेंगे? द चेंज और इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस, पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस हो गया. इसके बारे में बात हो गया, कॉमा. अब डिनोमिनेटर में और एक बंदा है, और डिनोमिनेटर में और एक बंदा कौन है? टी टू माइनस टी वन. वॉट इज टी टू माइनस टी वन? कैन बी रिटर्न एज टी टू माइनस टी वन कैन बी रिटर्न एज. अब हम इसके बारे में भी बात करेंगे. टी टू माइनस टी वन, टी टू माइनस टी वन को हम बोल सकते हैं फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. जैसे आर टू माइनस आर वन को बोला फाइनल रेजिस्टेंस माइनस इनिशियल रेजिस्टेंस, वैसे टी टू माइनस टी वन को हमने बोला फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर. कैन वी कॉल इट एज इंक्रीज इन टेम्परेचर? जैसे इसको बोला गया इंक्रीज इन रेजिस्टेंस, जैसे इसको बोला गया चेंज इन रेजिस्टेंस, और यू कैन कॉल इट एज चेंज इन रेजिस्टेंस बोल सकते हैं. टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो हाउ विल यू राइट? मैंने कॉमा डाला, आई हैव पुट एन कॉमा, एंड अब मैं कैसे लिखूंगा? अब मैं लिखूंगा पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर राइज हो रहा है. टी टू माइनस टी वन मीन द टेम्परेचर इज राइजिंग बिकॉज टी टू माइनस टी वन इज इंक्रीज इन टेम्परेचर. इसे मैंने यूज किया पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर. ये है अल्फा का डेफिनेशन. अब तुम्हें समझ में आया कि मैंने पहले क्यों तुम लोग से न्यूमेरिकल सॉल्व करके लिया? क्योंकि अगर मैं बीच में तुम्हें अल्फा का डेफिनेशन पढ़ा देता तो अभी जैसे तुम मुंह बना के बैठे हो ना वैसे बनाते हो, न्यूमेरिकल में ध्यान भी नहीं देते. क्योंकि ये डेफिनेशन समझना ऐसा नहीं कि वन टाइम में समझ में आ जाएगा, अभी मुझे इसको और समझाना है तुम्हें. पर इतनी तो खुशी की बात है ना कि तुम्हें न्यूमेरिकल समझ में आ गया, तुम्हें यह समझ में आ गया कि ये टॉपिक को सॉल्व कैसे करना. अब खाली अल्फा को थोड़ा तोड़ मरोड़ के समझ लेंगे, तुम्हें वो भी समझ में आ जाएगा. पर क्या तुम्हें डेफिनेशन देख के ऐसा फीलिंग आ रहा है क्या? आर यू अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग की नहीं? हाँ, आई गॉट अल्फा. नो, यू हैवंट गॉट अल्फा, यू हैवंट गॉट अल्फा. तुम्हें अल्फा अभी दिमाग में छपा नहीं, अभी तक से सिर्फ तुम्हें यह पता है कि इसको देख के सर ने ऐसे कैसे लिखा, बस इतना पता है तुम्हें. क्रिश आई टोल्ड यू हम जो पढ़ रहे हैं उसमें अल्फा की वैल्यू हरदम बढ़ेगी, पर मैंने बोला सम केसेस में अल्फा की वैल्यू घटेगी भी. मैंने बताया सम केसेस में अल्फा की वैल्यू घटेगी भी, स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बताया ना ये बात. क्रिश सुना था आपने ये बात? डिड यू सी दिस क्रिश? देखा क्रिश आपने ये? बराबर, ठीक है. तो अभी किसका बात कर रहे हैं? वो रेजिस्टेंस का बात, तो अभी किसका बात कर रहे हैं हम लोग? रेजिस्टेंस का ही तो बात कर रहे हैं, और किसका बात कर रहे हैं?
व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर, ये क्या है, ये सब करें क्या बात कर रहे हैं, रेजिस्टेंस के बारे में तो बात कर रहे हैं। इधर ही हो ना क्रिश, हेलो क्रिश, इधर ही हो ना, बराबर ना, है ना, ठीक है। चलो अच्छी तरह से बात को समझना है, R2 माइनस R1 क्या था आपको समझ में आया, R1 क्या था आपको समझ में आया, T2 माइनस T1 क्या आपको समझ में आया। याद रखिए, हम लोग हर बार जब भी कोई फाइनल और इनिशियल वैल्यू को माइनस करते हैं, अगर फाइनल वैल्यू बड़ी है और इनिशियल वैल्यू छोटी है, तो हम लोग फिर इजीली उसको चेंज मान सकते हैं, या हम उसको इजीली इंक्रीज इन रेजिस्टेंस मान सकते हैं। ठीक है, अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये डेफिनेशन कैसे लिखा ये मैंने बता दिया, टेक्स्ट बुक में भी है। द चेंज और इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। वापस मैं रिपीट करता हूं, द इंक्रीज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर डिग्री राइज इन टेम्परेचर। इस तरह से अल्फा का डेफिनेशन होता है, बट मुझे पसंद नहीं आता कि ये डेफिनेशन से कैसा फीलिंग नहीं आती समझने वाली। अल्फा क्या है जरा समझाता हूं मैं आपको, अल्फा क्या है मैं जरा आपको समझाता हूं। हिंदी अनुवाद में हम अल्फा को समझेंगे, हिंदी अनुवाद में हम अल्फा को समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से देख लो। ठीक है, कितना रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, कितना रेजिस्टेंस में चेंज आएगा अगर अगर आपने एक इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस फिक्स कर दिया और आपने एक डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा दिया। बिल्कुल अच्छे से समझा, हिंदी अनुवाद लिखा है। ठीक है, अल्फा एक ऐसी क्वांटिटी है जो तुम्हें इस बारे में जानकारी देती है कि कितना रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, कितना रेजिस्टेंस में चेंज आएगा अगर आपने एक इनिशियल वैल्यू को फिक्स कर दिया और उसके बाद आपने एक डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो तुम्हारे रेजिस्टेंस की वैल्यू में कितना चेंज आएगा वो क्वांटिटी तुम्हें अल्फा देती है। अब ये चीज मैं तुम्हें ये वाले एग्जाम्पल से समझाता हूं, जो फोर्थ वाला एग्जाम्पल हमने अभी अभी किया है, जरा मैं इसमें तुम्हें ये समझाता हूं, बिल्कुल ध्यान से देखो। इनिशियली क्या हो रहा था, 27 डिग्री सेल्सियस पे तुमने 4.2 ओहम को फिक्स कर दिया है, तो ये तुम्हारा इनिशियल हो गया कि नहीं हो गया, ये तुम्हारा इनिशियल हो गया कि नहीं हो गया। 27 डिग्री सेल्सियस पे तुमने 4.2 ओहम को फिक्स कर दिया, तो तुम्हारा ये इनिशियल कंडीशन हो गया, तुम्हारा ये इनिशियल कंडीशन हो गया। ठीक है, दिस इज योर इनिशियल कंडीशन, दिस इज योर इनिशियल कंडीशन। अब तुम्हें अल्फा किस बारे में जानकारी देगा, तुमने इस न्यूमेरिकल का अल्फा कितना निकाला था, तुमने इस न्यूमेरिकल का अल्फा निकाला था 0.00391 पर डिग्री सेल्सियस, तुमने ये अल्फा निकाला था। इसका मतलब अल्फा क्या है पता है क्या, अगर तुमने 27 से 28 कर दिया तो तुमने क्या किया, एक डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा दिया। याद रखना, तुमने एक फिक्स वैल्यू किया, यू हैव फिक्स्ड अ वैल्यू एंड दैट वैल्यू फिक्स्ड इज 27 डिग्री सेल्सियस पे 4.2 ओहम का रेजिस्टेंस है। क्या बोला मैंने, अगर आपने एक इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस को फिक्स कर दिया, पकड़ लो एक इनिशियल वैल्यू को पकड़ लो, अब वो 0 डिग्री पे हो सकता है, स्पेशली 0 डिग्री पे ही होता है, पर आप कहीं पे भी फिक्स करके चलो कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे इस एग्जाम्पल में हमने क्या, 27 डिग्री सेल्सियस पे 4.2 है। चलो इसका पहले वाला एग्जाम्पल क्या था, ये वाला एग्जाम्पल ले लेते, ये वाला एग्जाम्पल ले लेते, 0 डिग्री पे 2.5 है, 0 डिग्री पे कितना है 2.5 है, बराबर है। अगर आपने एक डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाया तो कितना रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, कितना रेजिस्टेंस में चेंज आएगा पता है, इतना आएगा, कितना है अल्फा, व्हाट कैन बी 4.004 × 10⁻³, कितना लिख सकते हैं हम लोग, 0.004।
लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अगर 0 डिग्री से टेम्परेचर 1 डिग्री हो गया तो इतना चेंज आएगा। इतना चेंज आने का मतलब क्या, 1 डिग्री सेल्सियस की वैल्यू आएगी 2.5 प्लस ये, 2.5 प्लस ये। अल्फा बेसिकली आपको क्या बताता है, अल्फा बेसिकली आपको इस बारे में जानकारी देता है कि अगर आप 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाओगे तो आपके रेजिस्टेंस में कितने का चेंज आएगा, इस बारे में आपको अल्फा जानकारी देता है। क्या बोलता है अल्फा, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर आप बढ़ाओगे तो कितना रेजिस्टेंस में चेंज आएगा, इसके बारे में आपको अल्फा जानकारी देता है। आर यू अंडरस्टैंडिंग? कुछ जरूरी नहीं है, इनिशियल रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, इनिशियल रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है, पर आपने एक इनिशियल रेजिस्टेंस की वैल्यू आपने फिक्स कर देनी है। जैसे कि इस एग्जाम्पल में, इस एग्जाम्पल में हाउ मच इज द इनिशियल रेजिस्टेंस, इनिशियल रेजिस्टेंस इज 0 डिग्री सेल्सियस, दैट मींस 2.5 ओम्स, राइट। मैं बोल रहा हूं बेसिकली 0 डिग्री सेल्सियस का ही कमाल होता है, ओरिजिनल रेजिस्टेंस 0 डिग्री सेल्सियस पे ही लिया जाता है। पर जैसे इस एग्जाम्पल में अगर 0 डिग्री सेल्सियस पे 2.5 ओम है और किसी ने आपको यह पूछा कि अगर मैंने 1 डिग्री बढ़ा दिया, 1 डिग्री अगर मैंने आपको टेम्परेचर बढ़ा दिया तो मेरे रेजिस्टेंस में कितने का बदलाव आएगा, तो आपके रेजिस्टेंस में 0.004 का बदलाव आएगा। क्या बोला मैंने, 0 था 1 डिग्री कर दिया, बताओ कितना बदलाव आया, 0.004 का बदलाव आया। पर ये तुमने कहां से देख के बताया, तुमने कुछ सॉल्व किया क्या, डिड यू सॉल्व एनीथिंग, डिड यू डू एनीथिंग? नो, यू जस्ट सॉ द वैल्यू ऑफ अल्फा, क्योंकि अल्फा वही तो बताता है, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, कितना रेजिस्टेंस में चेंज आएगा। आपने 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा दिया, बीच की लाइन भूल जाओ, कितना रेजिस्टेंस में चेंज आएगा अगर आपने 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ा दिया, बीच की लाइन भूल जाओ। बीच की लाइन खाली क्या बोलता है, बीच की लाइन ये बोलता है कि किसी इनिशियल के रिस्पेक्ट में बात करो, किसी इनिशियल के रिस्पेक्ट में बात करो। जैसे कि क्या, अगर 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 4.2 आपका ओहम है, 27 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, 4.2 आपका ओहम है, ठीक है ना। आपका फाइनल आंसर कितना आया था, 0.00319। अगर 27 से 28 टेम्परेचर हो जाता, अगर 27 से टेम्परेचर 28 हो जाता तो बताओ मेरे रेजिस्टेंस में कितने का चेंज आता, बताओ। अगर 27 से टेम्परेचर 28 हो जाता तो मेरे रेजिस्टेंस में कितने का चेंज आता, बताओ कितने का चेंज आता क्लास। 1 डिग्री टेम्परेचर मैंने बढ़ा दिया तो कितने का चेंज आएगा, बताओ बताओ कितने का चेंज आएगा, इतने का चेंज आएगा कि नहीं आएगा, 0.00391 का चेंज आएगा, यानी कि 0.004 मान लो, इसको राउंड ऑफ कर लो, 0.004 का चेंज आएगा। दिमाग में बैठ रहा है, दिमाग में बैठ रहा है, आपको अल्फा क्या देता है, आर यू अंडरस्टैंडिंग अल्फा क्या देता है, क्या देता है अल्फा, रिपीट करो अपने आप से, रिपीट करो, एवरीबॉडी शुड रिपीट अपने आप से। अल्फा एक ऐसी वैल्यू है, अल्फा एक ऐसी वैल्यू है जो आपको ये अनुमान लगाता है, अल्फा की वैल्यू एक मटेरियल के लिए फिक्स होगी, अमीना अल्फा की वैल्यू एक पर्टिकुलर मटेरियल के लिए फिक्स होगी, एवरी मटेरियल हैज अ फिक्स वैल्यू ऑफ अल्फा, हर एक मटेरियल का अल्फा फिक्स है, ठीक है, हर एक मटेरियल का अल्फा फिक्स होता है, हर एक मटेरियल का अलग अलग अल्फा होता है, ऐसा नहीं है कि सब मटेरियल का अल्फा सेम होगा, अल्फा डिपेंड्स ऑन मटेरियल, ये भी लिख देता हूं मैं, अल्फा डिपेंड्स ऑन मटेरियल, ये भी बात आपने याद रखनी है। इसका मतलब जब हम 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो अल्फा की वैल्यू ऐड होगा इनिशियल रेजिस्टेंस की वैल्यू में, मैं भी तो वही कह रहा हूं, मैं भी तो आपको वही पूछ रहा हूं। यहां पे मैंने क्या लिखा है राहुल, क्या मैंने यहां पे ऐसा लिखा है 2.5 प्लस 0.04, ऐसा क्यों किया मैंने, क्योंकि मैंने 1 डिग्री से टेम्परेचर बढ़ाया तो 0.04 से आपका आपका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, हा या ना, हा या ना, हा या ना, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू में कितने का फर्क आएगा वो अल्फा है। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने से
आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू में कितना फर्क आएगा वो अल्फा है। अगर अगर ये 60% समझा है तो जरा एक एग्जाम्पल हो जाए और बाकी 40% भी जरा ठीक ठाक कर लेते हैं। ठीक है, दिस विल बी माई पेज नंबर, दिस विल बी माई पेज नंबर 6। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल सबने ध्यान देना है। मैं एग्जाम्पल दूंगा आपको दो, मैं आपको दो एग्जाम्पल दूंगा और जरा बिल्कुल आपको समझ में आएगा कि सर गला फाड़ फाड़ के तब से 15 मिनट में क्या समझा रहे थे। अच्छी तरह से मेरी बात समझना। ठीक है, हम लोग एक मोबाइल फोन बनाना चाहते हैं, वी वॉन्ट टू मेक अ मोबाइल। अल्फा डिपेंड्स ऑन मटेरियल, अल्फा डिपेंड्स ऑन मटेरियल। आंचल यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो, बस हमारे पास 10 मिनट है, 10 मिनट में दिमाग में उतारना है। बिल्कुल ध्यान से दो, बिल्कुल ध्यान से देखो यहां पे सब लोग। हमको बनाना है एक मोबाइल फोन। मोबाइल फोन का जो हार्ट एंड सोल होता है वो उसके अंदर का एक सर्किट होता है। जैसे कंप्यूटर में मदरबोर्ड होता है, वैसे मोबाइल में एक अंदर एक सर्किट होता है और इस सर्किट को हम आईसी बोलते हैं। आईसी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसी स्टैंड्स फॉर इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, ये हमारे मोबाइल का हार्ट एंड सोल होता है। किसी को पता है क्या जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है मोबाइल के अंदर वो किस मटेरियल से बना होता है? ये जो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है मोबाइल के अंदर ये बना होता है सेमीकंडक्टर से। किससे बना होता है? सेमीकंडक्टर, स्पेशली सिलिकॉन से बना होता है। ठीक है, स्पेशली किससे बना होता है? सिलिकॉन से बना होता है। अब सिलिकॉन की खासियत क्या है? सिलिकॉन की खासियत क्या है? मैं आपको समझाता हूं। सिलिकॉन की खासियत यह है कि अगर टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ती है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू में इतना चेंज नहीं आता। रेजिस्टेंस की वैल्यू में इतना चेंज नहीं आता, उल्टा रेजिस्टेंस डिक्रीज करता है, बढ़ता नहीं है, डिक्रीज करता है, कम होता है। ये सिलिकॉन की खासियत है। ये सिलिकॉन की क्या है? खासियत है। पर फिलहाल ऐसा मत सोचो कि रेजिस्टेंस कम होता है, फिलहाल ऐसा समझो कि टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस उतना नहीं बढ़ता। फिलहाल खाली इतना समझो, फिलहाल खाली इतना समझो। क्या बोला मैंने? टेम्परेचर बढ़ता है तो टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में रेजिस्टेंस इतना नहीं बढ़ता। खाली फिलहाल इतना आप लोग ने दिमाग रखना है। अगर मैं आपको बोलूंगा कि कमेंट कमेंट ऑन द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर सिलिकॉन, तो मैं आपको दो ऑप्शन देता हूं, स्मॉल एंड लार्ज। आपको बताना है इसमें से सिलिकॉन की जो अल्फा की वैल्यू होगी वो बहुत कम होगी कि बहुत बड़ी होगी। क्या लगता है आपको? कमेंट करो, कमेंट करो, कमेंट करो। सिलिकॉन की अल्फा की वैल्यू कम होगी कि बहुत ज्यादा होगी? कमेंट करो, एवरीबॉडी हैज टू कमेंट। जो भी वैल्यू होगी अल्फा की, जो भी वैल्यू होगी, जो भी अल्फा की वैल्यू होगी वो कम होगी कि ज्यादा होगी? क्या लगता है तुम्हें, क्या लगता है तुम्हें? क्यों सब लोग स्मॉल बोल रहे हो? क्यों सब लोग स्मॉल बोल रहे हो? क्योंकि तुम लोग को पता है कि तुम लोग को पता है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा 1 डिग्री सेल्सियस से तो रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत कम चेंज होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही कम चेंज होगी, रेजिस्टेंस की वैल्यू बहुत ही कम चेंज होगी। मैंने अभी तुम्हें बोला ना, मैंने अभी तुम्हें ये बोला ना कि टेम्परेचर जब बढ़ता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इतनी चेंज नहीं होती। सपोज करो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ने से अल्फा की जो वैल्यू है वो 0.00005 की है। इमेजिन करो, इमेजिन करो
एक डिग्री सेल्सियस बढ़ने से तुम्हारा रेजिस्टेंस इतना बढ़ेगा, यही तो अल्फा है, यही तो अल्फा है। एक डिग्री में चेंज आने से रेजिस्टेंस कितना बदलता है, तो तुम्हारे लिए ये बात फायदेमंद की है कि नहीं है, क्योंकि तुम तो एक मोबाइल फोन बना रहे हो। अगर तुम्हारा मोबाइल फोन गर्म हो रहा है, तुम्हारे मोबाइल फोन का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो क्या अगर मोबाइल फोन का रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा तो तुमको अच्छा लगेगा क्या? अगर तुम्हारा मोबाइल का टेम्परेचर बढ़ रहा है और मोबाइल का रेजिस्टेंस भी बढ़ रहा है टेम्परेचर के साथ, तो मोबाइल फोन के अंदर का करंट कम होगा, बैटरी जल्दी खराब होगी। तो तुम अपने मोबाइल फोन को एक ऐसे मटेरियल से बनाना चाहते हो जिसका अल्फा बहुत ही कम है। अल्फा बहुत ही कम है का मतलब क्या है? व्हाट इज अल्फा बहुत ही कम है? अल्फा बहुत ही कम है का मतलब है कि अगर 1 डिग्री सेल्सियस से रेजिस्टेंस बढ़ता है तो रेजिस्टेंस, सॉरी, 1 डिग्री सेल्सियस से अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो रेजिस्टेंस बहुत ही कम बढ़ेगा। कितना? 0.00005, इतना कम रेजिस्टेंस तुम्हारा बनेगा। ये कौन डिसाइड करता है? ये कौन डिसाइड करता है कि 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ने से रेजिस्टेंस कितना बढ़ेगा या कितना चेंज होगा? ये कौन डिसाइड करता है? ये मटेरियल की अल्फा की वैल्यू डिसाइड करती है। समझ में आया? अब जरा और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, अब और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सपोज कीजिए आप वॉटर हीटर खरीदने जा रहे हैं। क्या खरीदने जा रहे हैं? वाटर हीटर खरीदने जा रहे हैं, ठीक है। अब तुमने वाटर हीटर कौन सा वाला, पता है, अपना नॉर्मल वाला, ऐसा वाटर हीटर, ऐसा स्प्रिंग टाइप होता है ना, इसको अपन ऐसा बकेट में डाल देते हैं, इसकी वायर होती है, देखा, ऐसा स्प्रिंग टाइप वाटर हीटर देखा है तुम लोगों ने? देखा, ऐसा स्प्रिंग, ऐसा ऐसा गोल गोल होता है, उसको ऐसा पानी में डिप डिप करके अपन बटन में लगा देते हैं, है ना? ऐसा सेम सेम सिस्टम, सेम सिस्टम आपके गीजर के अंदर भी होता है। अगर आपके पास गीजर है तो गीजर में भी सेम सिस्टम होता है, बस ये गीजर का सस्ता वाला वर्जन है, बस ये गीजर का सस्ता वाला वर्जन है, बराबर है। अब एक बात समझो, अगर आप ऐसा चीज खरीदने जा रहे हो तो इसके अल्फा की वैल्यू के बारे में आपका क्या ख्याल है? इसकी अल्फा की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए कि लार्ज होनी चाहिए? क्या लगता है तुम्हें, बोलो? ऐसे चीज की अल्फा की वैल्यू स्मॉल होनी चाहिए कि लार्ज होनी चाहिए? गेस करके बता दो मेरे को, गेस करके बता दो, सोचो सोचो सोचो। अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो तुम ये चाहते हो कि रेजिस्टेंस भी बढ़े, तुम ये चाहते हो कि रेजिस्टेंस भी बढ़े, और अगर रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर और बढ़ेगा, और तुम यही तो चाहते हो, टेम्परेचर और बढ़े, टेम्परेचर और बढ़े, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर बढ़ेगा, तभी तो पानी गर्म होगा, तभी तो पानी गर्म होगा। तो तुम्हें क्या लगता है, तुम्हें क्या लगता है, जब तुम ये वाटर हीटर दुकान से खरीद के लेके आते हो, उसमें सिलिकॉन लगा होता है क्या? उसमें सिलिकॉन लगा होता है? नहीं यार, उसमें सिलिकॉन नहीं है। अगर सिलिकॉन होगा तो उसका अल्फा देखना कितना कम है, पानी गर्म कहां से होगा? कॉपर होता है, कॉपर, उसमें कॉपर होता है, मेटल होता है उसके अंदर। तो 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर अगर चेंज होता है ना, तो खतरनाक वाला रेजिस्टेंस बढ़ता है, जिससे टेम्परेचर और बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर और रेजिस्टेंस दोनों एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना। अल्फा क्या है बोलो, अब तो बोलो अल्फा क्या है। मैंने बोला था तुम्हें, ये 60% था, ये 60% था, ये बाकी का 40% है, ये बाकी का 40% है, बोलो अल्फा क्या है, बोलो अभी सब लोग बोलो अल्फा क्या है, बोलो 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 अल्फा क्या है। 1 डिग्री, 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ने के बाद आपके रेजिस्टेंस की वैल्यू में कितने का बदलाव आएगा, वो अल्फा है, वो अल्फा है। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? गिव मी अ यस और नो। शिफा, आपको समझ में आ रहा है क्या? मिक्स हो रहा था, अभी मिक्स हो रहा है क्या? शिफा, बीच में हार नहीं माननी है, एंड तक बैठना है, एंड तक समझना है, क्योंकि लेक्चर, लेक्चर में एंडिंग होना बहुत जरूरी है, लेक्चर का एंडिंग होना बहुत जरूरी है। बोलिए बोलिए, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा है, बोलो फटाफट बोलो। सब लोगों का रिप्लाई आना चाहिए, यस और नो होना चाहिए, यस और नो होना चाहिए। अब मैं चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि कोई हमें सहयोग करे, वॉलंटियर करे और मुझे समझाए कि अल्फा क्या होता है। कम ऑन, कौन वॉलंटियर कर रहा है भाई? यस, एनीबडी वुड लाइक टू वॉलंटियर? शिफा, आप वॉलंटियर करेंगे? शिफा वॉलंटियर करेंगे क्या?
ओके, करूँ आपको अनम्यूट। व्हाट अबाउट द गूगल डॉक? कौन सा गूगल डॉक रे आयुष? यस शिफा, जी सर, हाँ बोलिए, क्या होता है अल्फा? एक डिग्री जब हम बढ़ाते हैं तो उसमें कितना रेजिस्टेंस बढ़ता है, मतलब कितना रेजिस्टेंस में बदलाव आता है वो अल्फा बताता है। जी अच्छा, तो ये अल्फा किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल पे डिपेंड करेगा। जी अच्छा, तो अगर आप मोबाइल फोन की कंपनी में आपको जॉब मिल जाए तो आप क्या यूज करेंगे, कॉपर यूज करेंगे या सिलिकॉन यूज करेंगे? सिलिकॉन। क्यों ऐसा? कॉपर तो सस्ता आता है, तो सिलिकॉन तो महंगा है, कॉपर क्यों यूज करना है आपने, सिलिकॉन क्यों यूज करना उसमें टेम्परेचर जब बढ़ता है तो रेजिस्टेंस कम होता है, और अगर टेम्परेचर भी बढ़ेगा रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा तो फिर मोबाइल की बैटरी जल्दी खराब हो जाएगी है? क्योंकि पावर बहुत ज्यादा हो जाएगा। अच्छा, तो इसलिए आप सिलिकॉन इतना महंगा होने के बाद भी आप अपनी मोबाइल कंपनी में सिलिकॉन करना चाहते हैं, ठीक है? चलो हम लोग दूसरी कंपनी खोलते हैं, हम लोग ऐसी कंपनी खोलते हैं जो वाटर हीटर बनाती है। अभी आपका क्या फिर अंदाज रहेगा, क्या आप सिलिकॉन यूज करेंगे वहां पे? नहीं हम लोग क्या यूज करेंगे फिर, कॉपर चलेगा, कोई जी, मेटल क्योंकि चलेगा? अक... जी अच्छा, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, थैंक यू सो मच शिफा। हाँ, और कौन है भाई, जी और कौन है भैया, और कौन है, और कौन सहयोग देना चाहता है? मेरा लेक्चर एंड तक सुनोगे तो मजा आएगा, बीच में सरेंडर नहीं कर देने का। आधे लोग बीच में सरेंडर करके निकल जाते हैं घर पे, सरेंडर नहीं करने का बीच में। बोलो और कौन है भाई? विश्व दीप्ति चौहान, चौहान। अच्छा, लेक्चर चल रहा है कॉलेज के। यस, विश्वदीप्ति चौहान, चौहान यस सर, बोलिए, क्या होता है अल्फा? यस बोलिए। अरे आवाज आ रही है, हेलो हाँ सर, बोलिए, अल्फा क्या होता है? अगर रेजिस्टेंस, अगर 1 डिग्री सेल्सियस में कितना रेजिस्टेंस में चेंज आया 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए, तो उसे अल्फा कहते हैं। उसे अल्फा कहते हैं। बहुत ही बढ़िया, दैट्स रियली ग्रेट। तो आप जानते हैं कि अल्फा हमारे जिंदगी में कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ना? हाँ आप अगर कोई सिस्टम बना रहे हैं, आप कोई अगर टेक्नोलॉजी बना रहे हैं, तो आप जो भी मटेरियल यूज करेंगे तो आपको ये चाहिए ना कि यार उसका टेम्परेचर के साथ उसका रेजिस्टेंस ज्यादा ना बढ़े, है ना? तो आप ऐसा मटेरियल दुकान से खरीद के लाएंगे जिसका अल्फा बहुत कम है ना? और अगर आप जी नोटिस कर रहे हैं, अगर आप नोटिस कर रहे हैं, जितनी भी वैल्यूज हमारी न्यूमेरिकल सॉल्व करने के बाद आई हैं, सबका अल्फा बहुत ही कम है। दिख रहा है? जितनी भी न्यूमेरिकल हमने वैल्यू, दो न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए, सबका अल्फा बहुत ही कम है। चलिए विश्वजी, थैंक यू सो मच। ऑल ऑफ यू गिव मी अ यस और नो, गिव मी अ यस और नो, ऑल ऑफ यू। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बोलो बोलो। वेरिएशन ऑफ टेम्परेचर विथ रेजिस्टेंस। आई होप ये क्लियर है, ठीक है? आई होप ये क्लियर है, ठीक है? एक फन फैक्ट बताना चाहता हूं, अल्फा की वैल्यू सिलिकॉन के लिए नेगेटिव होती है। अल्फा की वैल्यू सिलिकॉन के लिए नेगेटिव होती है, इमेजिन करो। हाँ, ये जरा गूगल पे सर्च मारना, मैं ये बताना नहीं चाहता था, कंफ्यूज नहीं करना चाहता था। और बहुत ही बढ़िया, कल जो मैंने हम लोग जो कल बात कर रहे हैं टाइमिंग का, वी विल टेक अ डिसीजन वेरी वेरी सून ऑन द टाइमिंग, ठीक है? टाइमिंग के ऊपर डिसीजन हम लोग लेते हैं फटाफट, देखते हैं। उस गूगल फॉर्म को अच्छी तरह से भरिए, जरा उसको ध्यान से भरिए गूगल फॉर्म को, ठीक है? सब लोग का सोच के हमको भरना है। सर्वेश, सर्वेश, आई नो चेंज नहीं करना चाहिए, बट हमारे बहुत सारे ऐसे भी हमारे है ना स्टूडेंट्स है ना, जिनको प्रॉब्लम हो रही है बिकॉज कॉलेज उनका है सुबह 7 बजे, 8 बजे कॉलेज है उनका। दामिनी, आप बार बार अपना वीडियो ऑन करना बंद करेंगे प्लीज, ठीक है? तो फिर प्लीज थोड़ा उसको देखना पड़ेगा, हमको सब लोग की मदद करनी पड़ेगी। एक लेक्चर सुबह होगा, एक लेक्चर शाम में, ऐसा हम करेंगे, ठीक है? सोच रहे हैं अभी, सोच रहे हैं अभी क्या करना है, अभी सोच रहे हैं, देखते हैं अभी क्या कर सकते हैं हम लोग, ठीक है? आपका जो भी सजेशन रहेगा, जो भी आपका सजेशन रहेगा, वो गूगल फॉर्म जो है मैंने उसमें कॉलम डाला हुआ है, व्हाट आर योर सजेशंस, उसमें आप लिखिए अच्छी तरह से, आपको क्या लगता है, सपोर्ट करिए।
सपोर्ट करिए प्लीज, हम लोग को खुद का नहीं सोचना है, हम लोग को सबका सोचना है, वी हैव टू थिंक अबाउट एवरीबडी, बराबर है ना, है ना, सबका सोचना पड़ेगा। नहीं अभी इतना अपन मेहनत कर रहे हैं तो सब लोग को साथ में लेके जाएंगे, है ना, सब लोग पढ़ेंगे तब मजा आएगा। सो प्लीज सपोर्ट, एक दो दिन में डिसीजन लेंगे हम लोग, एक लेक्चर सुबह एक लेक्चर शाम में, देखते हैं, ठीक है, चलो बाय बाय, पढ़ाई स्टार्ट करो, बाय 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 बाय, टेल मी हाउ वॉज द लेक्चर, ठीक है, मुझे बताओ लेक्चर कैसा, चलो बाय।